विद्यार्थी स्कूल गाड़ी अपने क्षमता फैला परदेश जाणारे विद्यार्थी आहेत त्यांच्या घरातल्यांना कौतुक असतं ते विमानतळावर सोडायला जातात असे विद्यार्थी शोधल्यानंतर त्यांना परदेशी शिक्षणाकरता जात असताना विद्यार्थी सेनेने जाऊन त्यांचा सन्मान केला आणि त्यांना शुभेच्छा दिल्या तर त्यांच्या मनामध्ये शिवसेना प्रमुखांत उद्धवजींचं आदित्यचं बीज रोवलं जाते आणि ते परदेशात असतात तेव्हा ह्या देशाची आठवण काढत असताना आपल्या कुटुंबाची आठवण काढत असताना राजकीय क्षेत्रामधल्या आपल्याला शुभेच्छा देणाऱ्या या भगव्याची आठवण ते मनामध्ये ठेवतात आणि इकडे येतात तेव्हा ते आपल्याबरोबर राहण्याचा प्रयत्न करतात. शिक्षणामध्ये आत्महत्या झाली त्या तुम्ही मदत केली चांगलं केलं पण हे तुमचं काम नाही आहे ते शिवसेनेचं काम आहे. शिवसेनेने प्रचंड काम केले आत्महत्येबाबत त्याच बदले गरिबांची मुलं ज्यांना शिक्षणाचे कितने शिवसैनिक को इन्होंने काम करने की सीख दी. इनका शिवसैनिक बनाने का एक मशीन है. ये राजनीति में ज्यादा ध्यान नहीं देते. ये शिवसेना के कार्यकर्ता तैयार करते जिनके अंदर काम करने की तरीका आ जाए. जैसे हमारे आदरणीय बाला साहब चाहते हैं, जैसे हमारे संपर्क नेता चाहते हैं. संपर्क नेता जो है तो डांट देते हैं अगर आपने गलती की तो. यहाँ गलती होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी एक दो गलती हमें माफ हो सकती है क्योंकि विद्यार्थी सेना के लिए पहला मेड़ा वाला हमें आदत नहीं डाली गई थी लेकिन आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं. भारतीय विद्यार्थी सेना ने पिछले दिनों में 2 साल के अंदर 3200 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जबकि वो भारतीय विद्यार्थी सेना का काम नहीं था. पिछले दिनों में हमारे जिला प्रमुख जो है तो वो दूसरे थे तो हमें वो जिम्मेदारी उठानी पड़ी और पिछले संपर्क प्रमुख उनकी इच्छा थी तो हमने उस मूवमेंट को इतना उठाया कि हमने हर महीने 100 ऑपरेशन करवाए और हमारे पास हमने अपने विभाग प्रमुखों से कह रखा था कि हर विभाग से हर महीने 10 कैंडिडेट वो बुजुर्ग लोग जिनकी ऑपरेशन कराने की बिल्कुल भी लायक नहीं है वो गरजू हैं ऐसे लोगों को खोज के निकाला जाएगा. अगर 9 भी हो गए तो आपका पद कैंसिल हो जाएगा. और मैं धन्यवाद. यहाँ पश्चिम नागपुर में पावसाड़ा अधिवेशन के आखिरी दिन शिवसेना के संपर्क नेता नागपुर शहर नागपुर के संपर्क प्रमुख और महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री माननीय दिवाकर जी रावते की उपस्थिति में शिवसेना भारतीय विद्यार्थी सेना का एक मेड़ावे का आयोजन किया गया. इस मेड़ावे में विद्यार्थी सेना ने दिवाकर रावते जी की उपस्थिति में ये प्रण लिया कि हम विद्यार्थियों के तकलीफ़ों के बारे में अपनी लड़ाइयों को बढ़ाएंगे. खास करके महाराष्ट्र में CBSE पैटर्न एजुकेशन हाई स्कूल आने के बाद हाई स्कूल में आने के बाद कक्षा 3 से मराठी लैंग्वेज को उन्होंने जो है पीछे कर दिया है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने CBSE बोर्ड में 3 लैंग्वेजेस को CBSE पैटर्न में चलाने का पैटर्न दे रखा है. उन्होंने उसमें इंग्लिश हिंदी और 3रे नंबर पर संस्कृत दे रखा है. लेकिन हमारा कहना है कि संस्कृत को ऑप्शनल रखो. जो मन से लेना चाहे उन्हें संस्कृत दो, जो मराठी लेना चाहे उन्हें मराठी में पढ़ाने दो. अगर आपने इस तरह से मराठी को दरकिनार किया तो इस महाराष्ट्र से मराठी का वजूद खत्म हो जाएगा और मराठी इस महाराष्ट्र की जान है. मराठी ने इतिहास गढ़ा है और हमारे बच्चों से क्या हम मराठी भाषा छीन लेंगे? अब हमारे बच्चे क्या मराठी से उतनी ही बोल पाएंगे जो घर में बोली जाती हैं? क्या वो मराठी लिख नहीं पाएंगे? अब अगर इन स्कूलों का इस तरह के षड्यंत्र अगर बंद नहीं हुए तो हम बहुत तीव्र आंदोलन करेंगे. अगर ज़रूरत पड़ी तो हम CBSE स्कूल्स को आग लगा देंगे, आग के हवाले कर देंगे. लेकिन मराठी पढ़ने वाले बच्चों को हम उनका ज्ञान लेने से रोकने वालों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे. ये हम भारतीय विद्यार्थी सेना की तरफ से यहाँ चेतावनी देते हैं, आह्वान करते हैं.